23 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोजर, यानी कि हमारे विंडो एक्सप्लोजर में कैसे हम फाइल और फोल्डर्स को अरेंज कर सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोजर, हम कैसे इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फॉर्मेशन में ला सकते हैं। ओपनिंग फाइल एंड फोल्डर, ओपन ऑप्शन अपीयर इन द मेन्यू कंट्रोल बार व्हेन यू सिलेक्ट फाइल एंड फोल्डर ऑन अ ड्राइव इन विंडोज एक्सप्लोजर। अब यहाँ पे अगर हम ओपन करते हैं तो हमें एक मेन्यू कंट्रोल बार में एक ऑप्शन दिखाता है फाइल और फोल्डर का, जो हमारे विंडोज एक्सप्लोजर में शो करेगा। टू ओपन अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप, यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स हैं उनको हमें सिंपली फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप वन, सिलेक्ट द फोल्डर। अब जिसे हमें मॉडिफाई वगैरह करना हो वो हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सेकेंड, क्लिक द ऑप्शन, ओपन ऑप्शन टू, ओपन ऑल द फाइल एंड फोल्डर इन साइड द सिलेक्टेड फोल्डर, यानी कि उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल और फोल्डर्स हमें मॉडिफाई करना है उसको हमें ओपन करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे आइकन दिखाया गया है, फर्स्ट हमने यहाँ पे हमारे पास कोडवा का एक फोल्डर है, उसे हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, ओपन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास उसके अंदर जो जितना भी डेटा है वो जितने भी फोल्डर्स वगैरह वो सिंपली क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। 24 यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है क्रिएटिंग न्यू फोल्डर्स, जैसे कि हमें न्यू फोल्डर बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। न्यू फोल्डर ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू एम्प्टी फोल्डर इन द करंटली सिलेक्टेड फोल्डर, यानी कि हमने जो फोल्डर सेलेक्ट किया हो उसके अंदर हमें क्या करना हो, एक और न्यू फोल्डर बनाया जो बिल्कुल खाली हो। टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप, यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप वन, क्लिक द फोल्डर फ्रॉम द लेफ्ट पैन, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक फोल्डर ऑप्शन दिखाया गया है फोल्डर, सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। हम स्टेप टू, क्लिक द न्यू फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू कंट्रोल बार, हमारे पास जो मेन्यू कंट्रोल बार है उसमें हमें ऑलरेडी एक ऑप्शन आता है न्यू फोल्डर, उसको हमें क्या करना है, क्लिक करना है। स्टेप थ्री, न्यू फोल्डर आइकन अपीयर ऑन द राइट पैन, अब जैसे हम उसे क्लिक करेंगे तो हमारे राइट साइड पे हमें एक जो फोल्डर है वो यहाँ पे आ जाएगा, एम्प्टी फोल्डर। नाउ टाइप अ सूटेबल नेम फॉर द फोल्डर, अब इसमें हम कोई भी नाम जो है वो टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे आइकन दिखाया गया है, ठीक है। स्टेप वन में यहाँ पे हम कोडवा के फोल्डर में फिर से गए हैं, उसके अंदर ही हमें एक ऑप्शन दिखा रहा है ऊपर की साइड में न्यू फोल्डर, जिसे हमने इसे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी एक और विंडो खोल जाएगी जिसमें हमें दिखा होगा न्यू फोल्डर, इसे हटाकर हम अपना कोई भी फोल्डर का नाम दे सकते हैं। 24 नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमें दिया हुआ है रीनेमिंग फाइल और फोल्डर, ठीक है। हमारे पास जो फाइल और फोल्डर है हमें फिर से क्या करना हो, उसे कोई और नेम देना हो तो हम कैसे देंगे। रीनेम ऑप्शन इन द ऑर्गेनाइज मेन्यू ऑन द मेन्यू कंट्रोल बार इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ द एग्जिटिंग फाइल और फोल्डर, यानी कि रीनेम ऑप्शन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें ऑर्गेनाइज मेन्यू में दिया होता है, इसके जरिए हम हमारी जो फाइल और फोल्डर का नाम हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो रीनेम एनी फाइल फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप, इसके लिए भी हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप वन, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर, अब जिस फाइल और फोल्डर का हमें नाम चेंज करना हो उसको हमें सिलेक्ट करना हो। स्टेप टू, क्लिक द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द ऑर्गेनाइज मेन्यू, हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइज मेन्यू में एक रीनेम का ऑप्शन आता है, सिंपली हमें उसको क्लिक करना है। स्टेप थ्री, टाइप अ न्यू नेम फॉर द फाइल एंड फोल्डर, और लास्टली हमें यहाँ पे जो भी हमें नाम और फाइल या नाम को कोई भी फोल्डर देना हो तो हम इसमें ईजिली दे सकते हैं। हम इसका एक विंडो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये शो होगा। 25 पे आपको यहाँ पे विंडोज़ दिखाया गया है कि किस तरीके से ये ऑपरेट होगा, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं ऑर्गेनाइज मेन्यू पे यहाँ पे क्लिक किया है पहले हमने, इसमें नीचे यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फोल्डर यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे पहले हमने फाइल सिलेक्ट की है, ठीक है, एक वर्ड की फाइल है, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज में जाकर हम एक लिस्ट दिखेगी रीनेम, रीनेम के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको पास यहाँ पे दूसरा विंडो है, इस तरीके का कुछ विंडो अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हम, जैसे कि हमारे फर्स्ट विंडो में हमें इसका नाम फाइल नेम फाइल वन था, ठीक है, हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया, इनविटेशन लेटर। तो इस तरीके से हम किसी भी फोल्डर या फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं।